देख ना, आज मेरे लिए बहुत ड्रामा हो गया, वाकई बहुत ड्रामा हो गया। अब मुझे जजमेंटल लोगों से बात नहीं करनी। आई मीन वो लोग जो सिर्फ अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला सही है या गलत। चल चलते हैं, चल चल। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? तो रोक भी नहीं सकता। ऐसे लोगों से दूर नहीं बैठे। चल आज चलते हैं। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? तो रोक भी नहीं सकता। अरे वो एक दूसरे को लुक दिया। अरे रुक ना माइक, इसमें हाई स्पीड है, हाई स्पीड तक ना नॉर्मल, बाल खराब हो जाएंगे। हाँ फिर वो कह रहे फिर से टेंशन बाजी हो रही है आपके और ऋषिका के बीच में, मतलब बाइक और स्कूटी की कह सकते हैं टेंशन है दोनों के साथ साथ, तो क्या हो रहा है सीन? इस सीन में ऐसा हो रहा है कि जो हमने लास्ट सीन किया था इसके पहले कि जब मैं उनके घर में 2:30 बजे एंट्री कर लेता हूँ और उनको सेफ गार्ड करने के लिए शराबी की एक्टिंग करता हूँ, तो उनको बात समझ में नहीं आई कि मैंने एक्टिंग की थी या मैंने सच में शराब पी थी। तो उसी बात का गुस्सा लेकर वो कॉलेज में घूम रही हैं। अब वो मैंने भी 4 बार 5 बार उनको मनाने की कोशिश की, अगर वो मान नहीं रही हैं तो फिर मैं भी टेंशन दे रहा हूँ। कुछ सुनाया भी आपने उनको, मतलब दोस्त के जरिए कुछ नाम लेकर शायद? हाँ मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं ओवर जजमेंटल लोगों से दूर रहूँगा, उनसे दूरी बनाकर रहूँगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना कुछ सोच समझे बस किसी को भी सही किसी को भी गलत बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना बेटर है। तो इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग हर ओनली। तो जैसे आपने कहा कि आपने उनकी अच्छाई के लिए जो भी नाटक किया था, लेकिन इसी तरह की समझ नहीं पा रही, उल्टा आप ही को टेंशन दे रही है, तो क्या लगता है ये कब समझेंगी कि आप उनकी क्या अच्छे के लिए था? देखिए अगर मैं समझाना चाहूँगा भी, क्योंकि हमारा सीन भी है समझाने वाला, समझाऊँगा तो तभी समझेगी नहीं वो। और मेरे ख्याल से बींग एन आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल, अगर मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूँ सब्जेक्ट के अंदर जो कि मैं हूँ थ्रू आउट, तो नॉर्मल चीज़ें बड़ी बोरिंग होती है ज़िंदगी में, तो कुछ ऐसी खटपट नोक झोंक ऐसा वैसा होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग भी काफ़ी एंजॉय करते हैं पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि मैंने जो 2 शोज़ किए हैं, बालिका किया, जाना किया, तो काफ़ी टेंस शोज़ थे वो, पर इसमें थोड़ा सा ब्रीदर है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। हाँ छुट्टियाँ नहीं है वो बात अलग है। और बाइक थी, बाइक से हर जगह, कॉलेज थी, कॉलेज है, घर के सीन्स अच्छे लगते हैं मुझे, कॉलेज के सीन्स अच्छे लगते हैं, लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है, जो फैंस मुझे ट्वीट्स करते हैं या इंस्टा पे डीएम करते हैं या जो। जल्दी पहन ले, क्या हुआ? सही तो था, नहीं लगाया कि नहीं नहीं लगाया, आ जाए सही था। रोलिंग चलो कर जा रहा है। एक्शन पता नहीं पलक को क्या हो गया है, ना हाय ना बाय, समझ नहीं आया। सुबह से मूड बहुत खराब है, मतलब ऐसा लग रहा है पलक है ही नहीं, कोई दूसरी लड़की है। कमाल है, इतने लंबे टाइम तक कभी गुस्सा रहता नहीं है। अच्छा हार्दिक, ओके ओके होल्ड लगी पलक।
कलम को क्या हो गया? नहीं यार, आज पूरा टाइम ही पलक कम हो गया, मतलब लग ही ना था कि ये पलक है, लग रहा था जैसे कोई और ही लड़की है। हार्दिक, आज के दिन के लिए बहुत ड्रामा हो गया, मुझे ओवर जजमेंटल लोग। यार हार्दिक, आज के दिन बहुत ड्रामा हो गया, मुझे ओवर जजमेंटल लोगों से बात ही नहीं करनी, जो अपने हिसाब से डायलॉग। यार हार्दिक, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया, मुझे ओवर जजमेंटल लोगों से बात ही नहीं करनी, जो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला सही है या गलत है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेटर है। चल यार, चल यहाँ सकते हैं, जाओ ना, रोका किसने? हाँ तो कोई रोक भी नहीं सकता है। चल यार, नक्सली कहीं यार। हार्दिक, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया, मुझे ओवर जजमेंटल लोगों से बात ही नहीं करनी, जो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कौन सही और कौन गलत। ऐसे लोगों से दूर नहीं बेटर, चलते हैं यहाँ से। चल हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? तो कोई रोक भी नहीं सकता। मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरा काम बड़े क्रिटिकल तौर पे देखते हैं, तो अब तक तो गाड़ी ट्रैक पर है और आगे भी रहेगी, क्योंकि क्या है कि एक आर्टिस्ट के लिए सेट पे खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपने ट्रैक से, अपने अपनी स्टोरी लाइन से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुश रहता है तो फिर वो स्क्रीन पर भी इवेंचुअली दिखता है। फिर थैंक यू सो मच।